Hello, Lily. हेलो Hi, हेलो। how are you? आई एम वेरी गुड, आप बताओ। मैंने, हाँ जी, उन्होंने रीत सर कहाँ पे रह गए अपने बिग बॉस? अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। रिक्वेस्ट भेजा है? हाँ, भेजा तो है। बोलती हूँ उनको, आप तक हेलो बात करो। गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कौन कौन है? हेलो आई। हाँ जी बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। गुड गुड गुड, वी ऑल आर डूइंग फाइन। हमारे आगे। कुछ कुछ मेहमान जर्मनी से भी है लाइव। ये हाँ जी, जर्मनी से भी बुलाएंगे बुलाएंगे, आपको भी लेते हैं, वहां का थोड़ा बर्फ दिखाओ मैं। जीत को मैंने इनवाइट भेज दिया है, वो हाँ एक्सेप्ट करेंगे तो अभी फिर अच्छा, करण, ओके ओके, हाय करण, हैप्पी न्यू ईयर, गुड इवनिंग, हाय। कम ऑन, जीत एक्सेप्ट कर लो। सेंड अगेन। हाय करण, कैसी है तबीयत अभी? हैप्पी न्यू ईयर, सेंड अगेन। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा है अब तो। कम ऑन जीत, बस सब बढ़िया। हाँ कैसे आ गए। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। निधि कैसी है? अच्छा, आई एम सुपर ऑसम, मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रियंका कुमार भी हैं आज लाइव? अभी तो को समीर को बोल देता हूँ, समीर भी पूछ रहा था कि उसको आना है लाइव, है ना? अब समीर को बोल दो, मैंने उनको बोला था समीर को भी कि उन्हें आ एक जाना मैसेज डाल दो, है, बट उस दिन वो मैसेज शायद डाल दो, मैसेज डाल दो। बोलती हूँ उनको। और क्या कल चल रहा है भी सर? बस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो आपका ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और बाकी एक प्रोजेक्ट और है जो किया था मैंने गोवा में, उसका काम चल रहा है। कल भी लाइव आना रहना है क्या सबको? ये जब वो ब्लॉगर वाला होगा, ओके वो देख लेते हैं। कंपनी से बोला हमें लाइव ले लो। मेरा फ्रेंड है तो यार आप माउस पे निधि, लाकर बात करोगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट है, क्यों हाँ, नहीं तो करेंगे बात? आप मेरे बता पास दीजिए, मतलब क्यों लिया था आपने ये वाला प्रोजेक्ट? समीर मेरे पास आपके बहुत दोस्त सारे, हैं, ये रीजन मत देना।
मेरे पास बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारा स्टोरीज है शेयर करने के लिए कि क्यों प्रोजेक्ट लिया। हाँ प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट किसी फ्रेंड्स का या प्रोजेक्ट किसी फैमिलीज का, इसका नहीं होता। प्रोजेक्ट अपने अपने कैरियर का होता है, और एक टास्क होता है वो जिसके थ्रू मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, अगर टाइम अवेलेबिलिटी है तो एक्सेप्ट करते हैं हम। और बहुत ज्यादा ऐसा रहा कि हाँ चलो टाइम नहीं है तो फिर चलो उसको टाइम नहीं दे पाए, बट लेकिन मोस्टली प्रोजेक्ट कैसा भी हो एक्सेप्ट कर ले, चाहे कॉर्पोरेट का हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो स्पेशली। तो ऐसा मुझे फोन आया कि करना है, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं अपना शेड्यूल देखता हूँ। हाँ हालांकि उस टाइम क्योंकि मार्केट थोड़ी थोड़ी सी खुली थी, क्योंकि उससे पहले कोविड का हम लोगों ने दौर देखा, मार्केट खुली थी। और फिर समीर का फोन आया मुझे, मैं तो प्रियंका को नहीं जानता था, टीम को नहीं जानता था मैं। हाँ समीर मेरा पुराना दोस्त है, तो उसने फोन किया मुझे, और मैंने उसके सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ही किए हुए, तो उसने मुझे बोला तो फिर मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और टाइम अवेलेबिलिटी थी उस दौरान, और हम गए, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर, और उसको किया अच्छे तरीके से, और बहुत जल्दी शेड्यूल कंप्लीट किया। वेरी ब्यूटीफुल लोकेशंस थी वहाँ पर, और बहुत मज़ा आया, टीम बहुत अच्छी थी। कंप्लीट किया बस, और फिर उसके आगे उसका प्रोसेसिंग चालू किया, नाउ इट्स रनिंग सक्सेसफुली। और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि कोविड का टाइम था और जिस हिसाब से देहरादून के अंदर भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे, और लास्ट टाइम हमने किसके साथ बात करी थी, जावेद जी ने भी बताया था, लिलीपुर जी ने बताया था कि बहुत बारिश भी हो रही थी, तो उस हिसाब से भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे। और आपने शायद एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी थी जय की। हाँ जेके एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी। प्रॉब्लम्स, जैसे मैं पहले प्रॉब्लम्स पे आता हूँ, प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ स्मूथ ही था। और जब टीम स्ट्रांग होती है और कोलैबोरेशन स्ट्रांग होता है तो प्रॉब्लम इज नथिंग। क्योंकि कभी ऐसा भी एक दौर आया था, मुझे याद है कि लाइट्स नहीं थी, जनरेटर का शिफ्टिंग करनी थी, तो हम और डायरेक्टर अपने हाथों से जनरेटर खींच के लेके आए। वो बहुत भारी जनरेटर था जो ट्रैक्टर खींचता है, वो हम लोग खुद खींच के लेके आए, जबकि हमारा काम नहीं था, बट हमने अपना समझा। तो सारे लोग जो हैं, क्रू, डायरेक्टर, मैं और मेरे फ्रेंड, वो भी आए हुए थे साथ में, और हम लोग सब लोग मिलकर जनरेटर खींच के लेके आए। पूरे हाथ पैर पूरे काले पड़ गए थे, तो वो सब था। लेकिन प्रॉब्लम को हम लोगों ने निपटाया, फिर डे नाइट करके उसको निकाला प्रोजेक्ट को। और ये सब तो कॉमन सी चीज है, जब आप लाइव निकलते हैं शूट्स के लिए तो ये सब तो चलता रहता है चीजें। और हमारे डीओपी साहब भी अभी इस समय ऑनलाइन है, और अरे उन्होंने प्रोजेक्ट को अपना समझा, और बहुत ही इट्स लाइक अ फैमिली वर्क यू नो, और उस हिसाब से हमने काम कंप्लीट किया और अच्छा रिजल्ट आया। ये है जय की जय का एनिवर्सरी था, और इनका, हमारे डायरेक्टर, इनका डीओपी साहब का बर्थडे भी था उस दिन, मुझे याद है 4 अक्टूबर, 4 सितंबर आई आई गेस उनका बर्थडे, वो भी सेलिब्रेशन हुआ वहां पर। और काफी केक्स जो थे वैसे भी प्रियंका मंगवाती थी, बट इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। अरे वाह, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया आपके लिए। आपसे काफी सारे बंदे बात करने के लिए रेडी हैं, देवेश, दीक्षित आपसे बात करना चाहते हैं, जीत। हाँ देवेश, देवेश जो है, देवेश ने ही माउस इन द डार्क का म्यूजिक, ट्रेलर का म्यूजिक देवेश ने डिजाइन किया हुआ है। जिस ओके हिसाब से आज ट्रेलर हमारा इतना सक्सेसफुल रनिंग करा, देवेश ने ही डिजाइन किया है, और टीजर का भी देवेश ने ही डिजाइन किया है, तो बहुत अच्छा। चले शैलू जी भी लाइन पे आ गए, हाँ और जी, शैलू जी हेलो, हेलो शैलू जी, कैसे हैं आप? नेटवर्क इशू मेरे साइड है या फिर शैलू की साइड होता है नेटवर्क, हमेशा इनका नेटवर्क हमेशा हमारी डाउन ही रहता है यहाँ। आवाज अभी? जी, शैलू जी आवाज आ रही है जीत आपकी। जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कैसा रहा आपका बर्थडे वेरी एक्सपीरियंस? गुड, वेरी गुड। कैसा हाँ रहा आपका बर्थडे हाँ एक्सपीरियंस? सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वेरी गुड। निधि जी, पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे धन्यवाद आपको भी। जीत जी आपको भी, और हमारे जो दर्शक भी हैं, सचिन अगारे जी अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, उनको बोला था मैंने, अभी जस्ट हुए, उनको भी नए जी साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और हमारे पूरे फ्रेंड्स सर्कल में भी जो भी हमसे जुड़ना चाहता है बाकी दीप जी से कांटेक्ट कर सकता है। हमारे ये हकीम जी जी आ गए हैं, बोलिए निधि जी आप क्या बोलना चाह रही हैं। नहीं मुझे तो यही जानना है कि आपके कैसे आवाज इको कर रही है क्या? इको कर रही है, इको कर रही है, इको तो शैलू ने वो किया हुआ है क्या? हेडफोन पे लेना पड़ेगा मुझे लगता है ऐसा। नहीं मैं हेडफोन ऊपर छोड़ जाऊं फिर लिफ्ट में जाऊंगा फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा तो अभी दीदी आप क्वेश्चंस जो करने हैं वो रेज कीजिए, वी विल आंसर यू अकॉर्डिंगली। अच्छा तो मेरे को ना शैलू जी से ये पूछना था कि डीओपी, इनको डीओपी बोलते हैं तो क्या है, मतलब डीओपी का क्या मतलब होता है? बेसिकली मैं नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूं, क्या होता है डीओपी? डीओपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी तो वो तो मैं जीत जी को समझूंगी, एडिटर या फिर फोटोग्राफी। नहीं नहीं वो नो, जो कैमरा हुज ऑपरेटिंग कैमरा हुज कॉल्ड डीओपी, तो वो शैलू जी ने ऑपरेट किए हैं सारे कैमरे। जो क्वालिटी आप देख रहे हैं वर्क वो शैलू जी का ही है। आपके पास वो सब मतलब बाद में आता है डे बाय डे जी का काम कैसा होता है? जो प्रोडक्ट हम शूट करके देते हैं, जो मैंने मान लो कैमरे से जो चीजें कैप्चर करके देता हूँ, तो जीत जी उसको स्टेप बाय स्टेप उसको सेट करते, वो काम जीत जी का है बेसिकली। ओके अमेजिंग। जो इमेज कैप्चरिंग का वर्क होता है ना, जो इमेज कैप्चरिंग का वर्क होता है ना वो हमारा होता है, लाइक फोटोग्राफी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो बेसिकली वेब सीरीज बन रही है बहुत बड़ा योगदान आपका ही है? नहीं मेरी पूरी टीम का है, मेरा कोई योगदान नहीं। मतलब आपका फिर कोई नहीं है? नहीं नहीं पूरी टीम का है, जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं लाइक डायरेक्टर समीर जी, हमारे जीत जी, प्रियंका जी, लाइट्समैन निर्मल गुप्ता जी, टीवीएफ जो कैमरा इक्विपमेंट क्या नाम उनका चंदन सिंह जी, और हमारे सारे एक्टर, सबका सपोर्ट है, वो हमारा अकेले का काम नहीं है। तो निधि आज तुम्हारी दो चीजें होगी, आज तुम्हारे दोनों का हो गया है ना। हाँ जी। और ये इको जो आवाज कर रही है शैलू की, उसमें से कर रही है अभी मैं फिर इसको नहीं ना। हाय ये हमारी सिस्टर भी जुड़ी है आई थिंक, शर्मिला जी भी। अच्छा अभी मैं बाहर निकलूं, फिर हमारी सिस्टर और हमारे कुछ दोस्त लोग भी जुड़े हैं तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय प्रमिला जी कैसे हैं आप, सुष्मिता जी, सबको मेरा नहीं, नहीं, बहुत नमस्कार और नए साल की सारी शुभकामनाएं। ये शैलू निधि को रिक्वेस्ट भेजेगी आपको, वो आप एक्सेप्ट करो तो इको नहीं करेगा फिर। ओके ओके कूल कूल, तो मैं डिस्कनेक्ट करूं क्या करूं? इनका क्या है कि एक सेपरेट आपको निधि पूरा प्रॉपर इनका लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है इनके पास बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो ये शेयर करेंगे, सेपरेट बना करके जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि और टाइम एक देना पड़ेगा, क्योंकि एक साइलेंस जोन में प्रॉपर बैकग्राउंड प्रॉपर है ना, तो वो ज्यादा बेटर आएगा, ऐसे लाइव ऐसे मजा नहीं आएगा, प्रॉपर आप उसको टाइम दे सकते। इको कर रहा था तो इसीलिए आपका क्या बेस्ट एक्सपीरियंस रहा? बेस्ट में एवरीडे वाज अ चैलेंजिंग ऑन व्हाइल शूटिंग, और ऐसा मतलब मेरी लाइफ में तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने तो बहुत सारे काम किए हुए हैं बट ये भी उसमें से एक इतना अच्छा, मतलब मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ उस चीज कि डे बाय डे हम लोग इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और सारा फ्रीडम था वहाँ पर, पूरा कॉलेज में हमने शूट किया ना, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ पर वेदर बहुत अच्छा था और बारिश भी थी, ठंड भी थी, पीछे पहाड़ थे, और जहाँ हमारा लोकेशन था उसके सामने हमारा होटल था, तो ज्यादा इवन था कि ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, वो भी एक बहुत अच्छा
था, उसके बाद वहां से पूरे पहाड़ दिखते थे वो था। और स्टोरी जो है माउस इन द डार्क की, जो वो स्टोरी है, पहले तो आप मुझे वो स्टोरी बता दो एक बार ही दोबारा, और उसके बारे में मतलब आपके क्या व्यूज हैं स्टोरी पर, कैसी बनी वेब सीरीज वो अलग बात है, बट आपको नरेशन पता नहीं, मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं करते हैं टीम को भी नरेशन, बट आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी बहुत अच्छी थी और हमने काफी चीजें जो हमने ऑन द स्पॉट भी चेंज की हैं वहां पर, क्योंकि वहाँ फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डायलॉग्स थे, बहुत सारे सीन्स थे, वो थोड़े से हमने अपग्रेड करने की, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट चीजें आती हैं, तो हमें लगा कि हाँ इससे और बेटर हो सकता है, क्योंकि देखिए फिल्म जो सिनेमा होती है वो अपने लिए तो कभी बनती नहीं है, वो हमारे ऑडियंस के लिए बनती है, हमें लगता है कि हाँ ये कुछ और बेटर हो सकता है, कि जब आप मैदान जंग में होते हैं तो यू यू विल गेट लॉट ऑफ क्रिएशन, लॉट ऑफ आइडियाज, आप उसमें कई चीजें खेल सकते हैं, है ना। ये चीजें बिफोर द शूट नहीं आती हैं, ये वाइल्ड शूटिंग आती हैं, तो वो हम लोग को उन्होंने की और बेटर बनाने के लिए, और प्रोडक्ट लाइव चल रहा है एमएक्स पे, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, फॉर आवर टीम, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर वर्क। अभी हम लोग और भी नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके भी आ रहे हैं, तो अभी होपफुली जल्द से जल्द लेके आएंगे आई रियलिटी का, और आगे भी और भी काम करेंगे, और कुछ चीजें हमेशा होता है कि हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ चीजें सिखाता है, और हमको इसने काफी चीजें सिखाई, नेक्स्ट करेंगे और बेटर करते चले जाएंगे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर गुड टीम। हमको टीम एक अच्छी मिली भी है, वी आर ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि और अच्छी टीम हम लोग को मिले, और आगे काम भी करते रहेंगे, और हम लोगों ने जो भी किया है एक अच्छा सिनेमा बनाने की कोशिश की है और अच्छी जगह प्रेजेंटेशन दी है। नाउ द एमएक्स इज लाइक अ वेरी बिग बिग नेम एंड फेम, तो ये है, और आप भी जुड़े, आप भी एक अच्छा सपोर्ट मिला, आपने भी अच्छा अपना एक टीम समझ के जो प्रमोशंस किए हैं आपने बहुत अच्छे किए, और यही बस यही कहना है, और गुड लक बोलूंगा और टीम को, और मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, और ये है। अरे बाबा बहुत अच्छा है, तो क्योंकि मैंने सुना है कि अभी हंगामा पर भी आने वाला है, समीर से मेरी बात हुई थी तो समीर ने मेरे को बताया था हंगामा पर रिलीज होने को है, एंड अमेज़न से भी शायद बातचीत कर रहे हैं वो, तो हंगामा पर आ जाएगी जी। हंगामा का भी मार्केट बहुत अच्छा है, और इसलिए हमने अभी एक महीने का गैप हमने सोचा था, क्योंकि जब एमएक्स का कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किसी एक चैनल पे अगर आप दे दो इंस्टेंटली आप दूसरी जगह शेयर नहीं कर सकते, एटलीस्ट टेक अ मंथ ब्रेक, देन यू विल फॉरवर्ड टू द अदर चैनल, तो वो हमने जो है उसको अभी 14th को हमारी रिलीज हुई थी, तो अभी 14th ऑलमोस्ट हम लोग जो है 5-6 तारीख के बाद फिर हम लोग सबमिशन करेंगे, फिर वो लोग मुझे लगता है कि आफ्टर 15th वो लोग भी शेयर करेंगे, तो विल गेट लॉट ऑफ यू नो ऑडियंस टू प्रीव्यू द सब्जेक्ट। ये है हमारा मेन मोटिव, मेन गोल, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये सब्जेक्ट लोग देखें, एंड इट ऑल्सो हैज मैसेज टू द ऑडियंस, ये भी एक उसमें है सब्जेक्ट में, तो देखना चाहिए और टीम को जुड़े रहना चाहिए साथ में, क्योंकि टीम वर्क है, सारा क्रेडिट जो है टीम को ही जाता है, और बस यही है मेरा जो कहना है। अरे वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो फिर ठीक है। शैलू जी पता नहीं कैसे वो चले गए हैं, मैं उनको एक बारी फिर से बताती हूँ अगर आपको जाना है तो। एंड प्रियंका बोल रही है कि एक राही को भी रिक्वेस्ट भेजना है, प्रियंका आप इनको बोल सकते हो, मुझे वो अगर हमें रिक्वेस्ट भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा मुझे मिल गया, ठीक है, शैलू से आप बात कीजिए, मैं जाता हूँ, मुझे जाना, आई हैव टू गो, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बिकॉज़ यू आर द होल इन चार्ज, एंड या ड्रीमी सेम टीम है ना शायद, शैलू जी बाकी सब भी हैं, ऑलमोस्ट सेम टीम है, एंड वी हैव अ वेरी ग्रैंड ओपनिंग एंड ऑल, इट्स अ वेरी बिग, इसका बहुत बड़ा करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं था, उससे और बड़ा करेंगे हम लोग, एंड बेटर वी विल समथिंग blast this year in cinema. धीरे करके हम लोग सीख रहे हैं। No, it's not like धीरे धीरे, तो बहुत तेजी से सीखना है ना, 2023 लग गया, तेजी में सीखना है, अरे वो गया बहुत तेजी में सीखना है, बहुत तेजी में आगे बढ़ना है, ओके ओके, धीरे धीरे वाला टाइम वो हमारा और शैलू का था,
वो निकल गया टाइम, अभी फास्ट है, जनरेशन इज वेरी फास्ट. और क्या, अब हम लोग ओल्ड हो गए हैं, नॉट इन एक्सपीरियंस बट लाइक इन मैच्योरिटी. आई नेवर सेड कि हम लोग एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो गया, नेवर, बट मैच्योरिटी इतनी आ गई कि हाँ, सिनेमा इतना करने के बाद इतना देख लिया है कि हाँ, एटलीस्ट इतना नॉलेज हो गया है कि अब कैसे सिनेमा को, क्योंकि वी आर टाइम टू टाइम वी आर फॉलोइंग द वे वेदर सिनेमा इज गोइंग ऑन. बिल्कुल बिल्कुल. करंट में सिनेमा कैसे जा रहा है, सो वी आर फॉलोइंग साइमल्टेनियसली एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड बट वॉट सिनेमा इज रिक्वायर्ड करंट डेज, बिकॉज पहले का सिनेमा अलग था, अब सिनेमा अलग है और बेटर होता है और फास्ट होता जा रहा है. ये ऑलराइट, थैंक यू सो मच. ओके बाय ओके बाय जी, बाय बाय बाय. बाय बाय बाय. ओके बाय. इसको मैं, और शैलू जी, हमारे डीओपी जी, आप मुझे बताएं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था वहां पर, तो वो बर्थडे कुछ अलग था या फिर वो भी सेम ही आप मानेंगे कि हाँ, ये भी सेम मेरा बर्थडे चला गया, जैसे लोगों को होता है ना, वो बर्थडे एक अलग एक्सपीरियंस. वो बर्थडे टोटली अलग था, लाइक मेरे लिए सरप्राइज था वो बर्थडे. अच्छा, तो प्रियंका ने आपको सरप्राइज दिया, मतलब ये समझ लें. जी, प्रियंका जी ने भी और सारी टीम ने भी मेरे साथ, मतलब मुझे कुछ नहीं आइडिया था, रोल रोलिंग के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब आई एम टोटली शॉक्ड. मुझे और वो बर्थडे मेरे लाइफ का कुछ अलग ही बर्थडे. मैंने पूरी ड्राइव चेक करी बट मेरे को वो फोटो नहीं मिले, ना तो जैकी एनिवर्सरी के फोटो है वहां पर और ना ही आपके बर्थडे वाले हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही सुनाई ही दिया था कि आपका बर्थडे मनाया गया था, तो मैंने सोचा फोटो देख लूं बट मुझे नहीं मिले वो. तो आप बताइए कहाँ से आपके फोटो देखे जा सकते हैं. आई थिंक फोटो हार्ड ड्राइव में होंगे ना, हार्ड ड्राइव में नहीं होंगे तो मैं प्रियंका जी से कोशिश करता हूँ, आई थिंक उधर से कुछ हो सकता है. ओके, नहीं आप मुझे बिल्कुल, मुझे आप फोटो भिजवाइएगा प्लीज, क्योंकि अगर अब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे तो ये, और बंदे को इतना बड़ा सरप्राइज मिल रहा है, तो ये तो डालने लायक चीज है. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिकॉज उस बर्थडे तो ऐसा हुआ था कि मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बर्थडे मेरा भी ये लोग से हाय मैम, तो मुझे हेलो ऐसा था ही भाई. नहीं फील कि मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और मैंने किसी से बताया नहीं था. हमारे रंजीत जी जो नहीं है साउंड रिकॉर्डिस्ट, तो उन्होंने, उनको आई थिंक पता था, उन्होंने ही शायद फैला दिया था कि शैलू जी का बर्थडे है ये. तो अचानक रोलिंग के साथ और हैप्पी बर्थडे सरप्राइज था वो. अरे रे, तो ये हो गया आपका वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस अगेन. अच्छा शैलू जी, अगर हम सीरियस बात करें तो जो स्टोरी है माउस इन द डार्क की, इस पर आपके क्या व्यूज हैं? मतलब ठीक है, वेब सीरीज आपने बनाई है, ऑफ कोर्स आपको अच्छी ही लगेगी, क्योंकि वो होता है कि जब एक हमारा बच्चा है तो हमें तो वो पसंद आना ही आना है, दुनिया भर को चाहे वो पसंद आए या ना आए बट हमें पसंद आना है. बट अगर आप एक थर्ड पर्सन की तरह देखें, आपने नहीं इसमें काम किया है, आप नहीं थे टीम में, आप एक अलग, एक थर्ड पर्सन की तरह अगर आप सीरीज को देखें तो आपके क्या कहेंगे? अभी मैं एज अगर ऑडियंस देखूंगा तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी है, और पब्लिक मतलब भी आपसे सॉरी मतलब क्या है उसके अंदर जो आप उसको अच्छा ही बोलेंगे? मेरे लिए तो सारी, अब ऑडियंस भी देखोगे तो भी बहुत अच्छी होगी, और वैसे भी देखोगे तो भी अच्छी होगी मेरे लिए, तो आप समझो कि अच्छी ही अच्छी है. और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देखें तो समझ में आएगा कि क्या है उसमें. ओके, तो वो टोटली हर जगह पे सरप्राइज है. सरप्राइज सरप्राइज तो काफी सारे हैं, जो रिव्यूज मैंने देखे थे वहां पर, जो लोग बोल रहे हैं कि सीजन टू चाहिए हमें जल्दी से जल्दी, सीजन टू सबको ये जानना है कि मर्डरर आखिर है कौन. हाँ, टोटली मैं खुद ही सॉरी, आप मुझे बताएंगे कौन है मर्डरर? अब ये तो सीजन टू में ही पता लग सकता है, अब हम कैसे बता सकते, बिकॉज वही तो स्टोरी होगी. तो सीजन टू का क्या कुछ प्लानिंग है, कब आ रहे हैं आप, सीजन टू कब लेके आ रहे हैं? फिलहाल अभी हम लोग प्लानिंग ही कर रहे हैं सीजन टू के लिए, बहुत जल्दी हम लोगों को अनाउंस कर देंगे. हमारी एक दूसरी मूवी आ रही है जो कि रिमी सिंह जी, तो उसके लिए भी हम लोग अभी उसमें व्यस्त हैं, तो अभी सीजन टू के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं. बट हाँ, डेट श्योर है कि बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा और पब्लिकली सब लोग को पता चल जाएगी कि सीजन टू आने. ओके ओके,
ओके, और ड्रीमी सिंह के बारे में बताइए, क्या है उसकी स्टोरी? मतलब ड्रीमी सिंह तो ये नाम ही अजीब सा है, ड्रीमी सिंह तो नाम क्यों है और इसकी स्टोरी क्या है, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप शेयर कर सकते हो तो। ड्रीमी सिंह एक्चुअली कैसा है कि सिर्फ एक तीन बच्चों पे, और जो कि हमारी कश्मीरा जी ने मेन लीड निभाया उसमें किरदार उनका कश्मीरा जी का, तो टोटली स्टोरी उन्हीं के ऊपर है एक्चुअली, जो आज हमारे समाज में हो रहा है महिलाओं पे अत्याचार और जो भी महिलाओं पे होते नहीं कि लोग, हाँ एक्चुअली इसीलिए मैं हेडफोन लिया नहीं हूँ, और भी इसीलिए घर पे भी नहीं था, घर पे तो आज चार पांच गेस्ट आए और भी नॉइज है, तो मैं बिल्डिंग के नीचे ही उतरा। ओके, इतनी ठंड में। अच्छा वैसे मुंबई में ठंड पड़ भी रही है? ठंड तो नहीं पड़ रही, बट बाहर निकलने के पहले एक विस चिंपर, एक्चुअली मैं ड्राइव करता हूँ तो एक विस चिंपर पहन लेता हूँ, लाइक हवा से तो बचा आ जाए। ओके ओके, निधि वो एक रिक्वेस्ट भेजा है एक राही ने जर्मनी से, वो भी कुछ रिव्यूज देना चाह रहे हैं, प्लीज कनेक्ट कर लिया उनको। अच्छा मैं उनको बुलाती हूँ, बट आई गेस तीन से ज्यादा बंदे आ नहीं सकते हैं। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छी मूवी थी, अमेजिंग वर्क ऑल ऑफ टीम, साक्षी जिंदा है कि नहीं है? क्या क्या अच्छा लगा आपको मूवी? पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वो पूरा एक जो था उसके बिहाइंड द जो सीन जो भी हो रहा है, बट पूरा अभी तक समझ में नहीं आया है और हाँ पूरा देखे भी नहीं है क्योंकि अभी इतना ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पूरा देखना भी, क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स बाकी है तो मुझे लग रहा है ना आपकी कास्ट में आके यही पूछेंगे कि मुझे ये बताओ मारा क्यों है, और नहीं, मैंने बता ही नहीं रहे हैं कि क्यों मारा है। यहाँ के फ्रेंड्स को भी दिखाई है तो उनको पूरा तो समझ में नहीं आई क्योंकि वो जर्मन और इंग्लिश जानते हैं ना, उनको थोड़ा समझ में आएगी सीजन टू में, बेसिकली वो सीजन टू के लिए हमने छोड़ा है। तो नेक्स्ट यहाँ बाहुबली सेम कंसेप्ट पर है, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे आके शूट करो, काफी अच्छा लगेगा, मेरे पास अच्छी जगह है। हाँ की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सीजन टू हम आपके यहाँ ही आके शूट। देखो ये पूरा का पूरा है जो टाउन है मेरा है। ये कहाँ के बगल ये है सर? ये है जर्मनी और चेक रिपब्लिक का बॉर्डर है। ओके, और बहुत ही काफी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, और यहाँ से 3 घंटे बाद स्विट्जरलैंड आ जाता है। तो बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ ही नेक्स्ट टाइम आके शूट करें। बिल्कुल आ जाओ, पूरी टीम के साथ में आओ, रहने की पूरी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली ना आपको ज्यादा वो स्टोरी में समझने के लिए ना आपको सीजन टू देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और प्रियंका ने क्या कड़क रोल किया ना पुलिस वाले। वेब सीरीज देखनी है तो प्रियंका क्या आप कमेंट्स में लिंक डाल सकते हैं? वैसे तो हमारे बायो के अंदर शायद है लिंक, है ना, आई रियलिटी के बायो में तो लिंक ऑलरेडी है, बट प्रियंका आप एक बार कमेंट्स में भी डाल दो। फर्स्ट वाला एपिसोड है, हम उसका लिंक डाल सकते हैं। नहीं मैंने यहाँ पे भी शेयर किया था, काफी लोगों को लगा था, मतलब क्या बोलते हैं, लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती बट जो टोन समझ में आती है ना, जो ट्रेलर जो आपका था काफी अच्छा लगा था यहाँ पे, शायद कमेंट्स वगैरह भी आए होंगे उन लोगों के, दो चार लोगों पावला करके फ्रेंड्स लोग। तो, राकेश आपको क्या लगता है कि ऐसा अभी भी होता है कि जो लोग फिजिकली यू नो उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ पाती है तो इस तरह से वो फेस करते हैं? क्योंकि एक होता है कि हम बोल देते हैं हम समझ सकते हैं बट नहीं, हमारी हाइट देखो इंसान हो अचानक से चेंज नहीं होता, जब किसी में कुछ कमी होती है जब आप उसको रियलाइज करवाते हो ना बार बार तब उसको बुरा लगता है। मेरे साथ में एक लड़का रहता है अबुल करके, आसाम का है, हाइट में काफी छोटा है, तो वो वहां से परेशान हो चुका था, वहां से बंगाल और आसाम बॉर्डर पे रहता हूँ बांग्लादेश साइड में, अभी यहाँ पे जब भी उसको बोल देते हैं कोई मजाक भी कर देता है ना यहाँ पे तो उसका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर खो जाता है उस लड़के का, तो वो एक चीज है उसको क्रिमिनल बनने को मजबूर कर देती है ऐसी चीजें, जिस चीज में कोई कमी है आप उसको रियलाइज करवाओगे टोंट मारोगे तो वो निकल के सामने आती है, इसलिए उसको अप्रिशिएट करो, जो चीज उसको मिली है भगवान से मिली है जो भी नेचुरल है उस चीज में उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, वही बोलते हैं ना कि क्रिमिनल्स पैदा नहीं होते हैं, ये बनाए किए जाते हैं, किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वही लोगों को, हर किसी को तो नॉर्मल है, उनको कभी समझ आएगा ही नहीं कि क्या दर्द होता है उसके पीछे, लोग बार बार टॉन्ट करते हैं और ये सब करते हैं। प्रियंका की कहानी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, प्रियंका ने भी काफी कुछ सुना है अपने कॉलेज डेज में। प्रियंका अपने बारे में बताओगे? प्लीज प्लीज, प्रियंका के बारे में जानते हैं हम, काफी टाइम से जानते हैं, शायद 2-2.5 साल तो हो गए होंगे। कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ इंडिया के अंदर, जिसमें से प्रियंका टॉप लिस्ट में आती है शायद। बहुत ही अच्छे नेचर वाइज, बहुत अच्छी है प्रियंका, हालांकि हम आज तक मिले नहीं है कभी, बट अज्यूम कर सकते हैं। अरे वाह, ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप चल रही है तो हम कह सकते हैं ऑनलाइन कुछ सब चल गई है, बोल सकते हो। हाँ, तो अरे बहुत अच्छे है फिर तो। अभी अगर रिस्पांस इतना अच्छा है, शैलू जी बहुत ज्यादा सीरियस है, शैलू जी का नेक्स्ट बर्थडे आपको जर्मन, आपको जर्मनी में मनाना है प्रियंका सीजन 2 के साथ। बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा, फिर से एक बार जल्दी ही लाइव आएंगे। हाँ हाँ, लोगों को आइडिया भी नहीं था कि हम भी आ रहे और अचानक। नहीं, मेरे को भी नहीं था, मेरे को भी नहीं था, अभी जस्ट आया था मैं ऑफिस से, आके बस बैठा ही था, आके देखा तो नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ, प्रियंका इज लाइव, मतलब फर्स्ट टाइम वो लाइव आ रही है। ऐसा किया नहीं, तो एक्चुअली मैंने प्लानिंग किया था शायद 31 दिसंबर को, पर किसी कारण बस नहीं आ पाए, मेरी वजह से वो कैंसिल करना पड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पूरा प्लानिंग के साथ आते हैं, अभी तो ये कैजुअली हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम राकेश को भी ले लेते हैं दोबारा। नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए जब भी आओ तो एक बार बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो मेरे को लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, तो अभी मैं ये बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल मैं फाइनली सबसे दर्शकों से भी, अपने दोस्तों से भी, निधि जी प्लीज एक मिनट, पूरे दर्शकों से भी बोलूंगा और आप लोगों से भी बोलूंगा, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है सबको देखने के लिए बोलिए माउसिंदा डार्क ऑन एमएक्स प्लेयर, बहुत जल्दी ये हंगामा पे भी आने वाली है, और जो भी होगा उसके भी मैं, लिंक एमएक्स प्लेयर सारे जितने भी ओटीटीज है, हां बाकी सारे ओटीटीज पे भी अभी एमएक्स प्लेयर पर है हंगामा, और जो दूसरे ओटीटीज है वहां पे भी जो देख रहे हैं उनसे भी मैं बोलूंगा, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आप लोग भी बोलिए कि एमएक्स प्लेयर पे जरूर देखें माउस इन द डार्क, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सस्पेंस थ्रिलर है, लोगों को कुछ टाइम तो ऐसे ही लगेगा कि हम कुछ अलग ही चीज देख रहे हैं, है ना, बट सीजन 2 में सब लोगों की जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोग जरूर देखिए माउस इन द डार्क ऑन एमएक्स, माउस इन द डार्क, माउस इन द डार्क। थैंक यू गाइस, बाय बाय, ओके बाय 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 बाय। Bye.